बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, आप सबसे अनुरोध एक बार जोरदार तालियां इस काम में लगे हुए सभी लोगों के लिए, चाहे वो यहां मजदूर रहे हो, इंजीनियर रहे हो और अन्य अधिकारी रहे हो, जोरदार तालियां साहब, आपका वो सम्मान पहुंचे। और अब मीठी ज्ञानवान बात और चेहरे पर मुस्कान, जी हां यही है हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री प्रवीण जी की पहचान। तो उनसे मेरा अनुरोध, आए और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। क्षेत्रीय विधायक महोदय, एक बार सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की जान अरविंद केजरीवाल जी का एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से अभिनंदन और स्वागत। पीडब्ल्यू मिनिस्टर आतिशी जी हमारे बीच बैठी हुई हैं, अनवर सू जी बैठे हुए हैं, सारिका चौधरी जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे कोंडली के विधायक यहाँ पे मौजूद हैं, रोहित मेहरोलिया जी यहाँ पे मौजूद हैं, त्रिलोकपुरी के विधायक, सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज सराय कालेखा में फ्लाईओवर का यहाँ पे उद्घाटन होने जा रहा है और मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये दिल्ली का ऐसा कनेक्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से सारी दिल्ली को फायदा मिलता है। और पहले आपने आश्रम अंडरपास बनवाया, उसके बाद आश्रम फ्लाईओवर डीएनडी एक्सटेंशन बनाया, जिसमें आश्रम फ्लाईओवर डीएनडी एक्सटेंशन में इतना जाम लगता था कि सारी दिल्ली परेशान थी सर। तो मैं कृतज्ञ रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब वहाँ पे जाम पूरी तरह क्लियर है, पॉल्यूशन लेवल भी डाउन है और पूरी तरह जाम क्लियर है। उसके बाद अभी सराय कालेखा का 3 लेन का फ्लाईओवर जो है यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, ये भी पूरी तरह खुल जाएगा, तो हमारा क्षेत्र जो है पूरी तरह जाम मुक्त हो जाएगा। हमारा लैंडलॉक हो चुकी थी सिटी, हमारा क्षेत्र जो है पूरी तरह लैंडलॉक हो चुका था, अब यहाँ से पूरी तरह स्मूथ जो है आवागमन यहाँ से शुरू हो जाएगा। और मुझे आंदोलन के समय का एक दिन याद है जब आप जो है दुष्यंत की कविता यहाँ पे पढ़ रहे थे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो आपने सूरत जो है वो दिल्ली के बदल दिए सर, ये आपने पूरे दिल्ली के सूरत जो है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हो, हर जगह आपने जो है दिल्ली वालों को लगातार नई नई जो है वो सौगात दे रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली में हमारे क्षेत्र के कई सारे, हमारे सराय कालेखा गाँव है, नंगली गाँव है, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे यहाँ पे ग्यासपुर है, इन लोगों को आप यहाँ पे लोगों को घर दे रहे हैं, लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं, वहाँ जो है केंद्र सरकार उनको उजाड़ने का काम कर रही है। बहुत सारे लोग जो आए हैं, रेडी पटरी वाले भी हैं, यहाँ पे ग्यासपुर के लोग भी हैं, जिनको उजाड़ने का काम जो है केंद्र सरकार कर ली। तो सर आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जो है इतना गरीबों के मसीहा जो है आप यहाँ पे बन के निकले और दिल्ली के लोगों को, तमाम दिल्ली के लोगों को इतना फायदा दे रहे हैं सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी कि आप जो है हमारे क्षेत्र के बारे में इतना सोचते, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इसी क्रम में हमेशा मैडम यही कहते हैं कि हर छोटा बदलाव किसी बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, इस सोच के साथ लोक निर्माण विभाग को संदेश देती हुई और दिल्ली को सजाती संवारती आदरणीय लोक निर्माण विभाग मंत्री महोदया से अनुरोध इस विषय में संबोधन का। आइए एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से हम अभिवादन करें, अभिनंदन करें। यहाँ मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे स्थानीय विधायक साथी प्रवीण कुमार जी, अन्य विधायक जो इन इलाकों से आए हैं जिनको इस फ्लाईओवर का फायदा होगा, रोहित मेहरोरिया जी, कुलदीप कुमार जी, XMLA नितिन त्यागी जी, हमारी पार्षद सारिका चौधरी जी, PWD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इंजीनियर इन चीफ, PWD की पूरी टीम और यहाँ पे आसपास के इलाके से आए हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको मेरा नमस्कार और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आज यहाँ पे सराय काले खान के 3 लेन फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए। पिछले कुछ सालों में जो सराय काले खान से लेके आश्रम का जो इलाका है
उसको बिल्कुल हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, उसको बदल दिया है। हम सब लोग जो दिल्ली के निवासी हैं, मुझे तो 20 साल से याद है कि आश्रम के इलाके में जाने का मतलब होता था घंटों घंटों के जाम में फंस जाना। आश्रम का इलाका, सराय काले खान का इलाका, हम सब कभी भी जब इस इलाके में आ रहे होते थे तो सोचते थे कि कोई एक सड़क इधर से ले लें, दूसरी सड़क उधर से ले लें, क्योंकि अगर सराय काले खान और आश्रम के इलाके में आएंगे तो पक्का 100% जाम में फंसना तय होता था। लेकिन पिछले 5 सालों में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस इलाके का काया पलट कर दिया है। चाहे DND का एक्सटेंशन हो आश्रम पर, जो अब आश्रम से लेके सारा ट्रैफिक डायरेक्टली DND पर चला जाता है, चाहे आश्रम का इतना शानदार अंडरपास हो, और आज ये 3 लेन का फ्लाईओवर जो सराय काले खान पे हम जिसका उद्घाटन कर रहे हैं, इस सराय काले खान से लेके आश्रम के पूरे इलाके को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जाम मुक्त किया है। और मैं दिल्ली और इस आसपास के इलाके के लोगों की तरफ से सर आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरी भी अपनी विधानसभा इसी से इलाके से एकदम जुड़ी हुई है, और मेरे इलाके के भी सारे लोग जब आवागमन करते हैं तो पहले आश्रम में और सराय काले खान में ट्रैफिक में फंसते थे। ना सिर्फ सराय काले खान को और आश्रम के इलाके को जाम मुक्त बनाया है, बल्कि आज सराय काले खान के फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद ISBT से भी पहले एक चंदगी राम अखाड़ा आता है। चंदगी राम अखाड़े से आश्रम चौक तक एक भी लाल बत्ती अब रिंग रोड पे नहीं बची है। सिग्नल फ्री रिंग रोड के 16 किलोमीटर के स्ट्रेच को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है। तो जब दिल्ली की इतनी महत्वपूर्ण सड़क सिग्नल फ्री होती है, उसका क्या मतलब होता है? एक आम इंसान के लिए मतलब ये होता है कि जब हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, तो हमें अपने दिन का कीमती समय जाम में नहीं बिताना पड़ता। हम जल्दी घर पहुंच सकते हैं, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं। एक आम दिल्ली वाले के लिए इसका मतलब होता है कि जितना पेट्रोल मैं अपने 2-व्हीलर पर, जितना पेट्रोल मैं अपनी गाड़ी पे खर्च कर रहा हूँ, वो पेट्रोल कम लगता है तो मेरी जेब में बचत भी आती है। हमारा ये अनुमान है कि 1 साल में तकरीबन 19 करोड़ रुपए की बचत दिल्ली वासियों को होगी, जो वो खर्चा पेट्रोल में करते अगर ये फ्लाईओवर नहीं बनता। तो 19 करोड़ की बचत दिल्ली वासियों को। दिल्ली वालों को क्या फायदा होता है? दिल्ली वालों को ये फायदा होता है कि ट्रैफिक जैम ना होने से जितना पोल्यूशन होता है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, उसकी संख्या घटती है। रोज 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी इस सराय काले खान के फ्लाईओवर की वजह से दिल्ली के प्रदूषण में कमी होगी। ये दिल्ली वालों को फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब फ्लाईओवर बनता है, गाड़ियों की स्पीड बढ़ती है, तो उससे दिल्ली का विकास बढ़ता है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था की तेजी बढ़ती है। तो उसके लिए सभी दिल्ली वासियों को बधाई। मैं आज इस उद्घाटन को करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने दिल्ली को ना सिर्फ दिल्ली वालों के बल्कि पूरे देश के लोगों के सपनों का शहर बनाया है। आज देश के किसी हिस्से में जब कोई एक लड़का, एक लड़की किसी गांव में, किसी कस्बे में जब जीता है और उसके घर में जब बिजली जाती है, तो वो सोचता है कि काश मैं दिल्ली में रहता होता तो 24 घंटे बिजली आती। लोग दिल्ली को अपने सपनों का शहर मानते हैं। जब किसी और शहर में रहने वाले लोगों के हजारों रुपए के बिजली के बिल आते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि काश मैं दिल्ली में रहता होता तो मेरा भी बिजली का बिल 0 आता। ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को सपनों का शहर बनाया है। जब किसी और शहर में रहने वाले, किसी गांव में रहने वाले लोगों को पानी की किल्लत होती है, घर में पानी नहीं पहुंचता, कहीं हैंडपंप से, कहीं टैंकर से पानी भरना पड़ता है, तो लोग ये सोचते हैं कि काश मैं दिल्ली में रहती होती तो मेरे घर में पानी पहुंचता, एक महिला को परेशान नहीं होना पड़ता। ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लोगों के सपनों का शहर बनाया है।
जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती तो वो सोचते हैं उसके माता पिता कि मैं दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊं तो बिना एक भी पैसा दिए मैं अपने बच्चों को शानदार शिक्षा दिला सकता हूं, ये सोचते हैं पूरे देश के लोग। जब एक परिवार को इलाज नहीं मिलता, हम रोज रोज पढ़ते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कि अपने परिवार को लोगों को इलाज दिलाने के लिए किसी ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, अपने गहने गिरवी रख दिए, तो उस देश के हिस्से में रहने वाला इंसान ये सोचता है कि काश मैं दिल्ली में रहता होता तो अरविंद केजरीवाल की सरकार मुझे फ्री इलाज देती। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लोगों के सपनों का शहर बनाया है। और ना सिर्फ इतना, जो एक छोटे शहर में गांव में रहने वाला व्यक्ति सपने देखता है कि हम दिल्ली में जाएंगे तो गाड़ियां तेज रफ्तार पे चलेंगी, बसों में भी एसी लगा होगा, बड़े बड़े फ्लाईओवर होंगे, तो ऐसा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर देकर भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लोगों के सपनों का शहर बनाया है। और मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ। सर, एक चीज और आपको बताना चाहूंगी इस फ्लाईओवर के बारे में। दिल्ली में पूर्वांचल के लोग एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अलग अलग अक्सर हम देखते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, उसमें बहुत बार पूर्वांचल के लोग भागीदारी करते हैं कंस्ट्रक्शन के लेबरर्स की तरह। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर देश के किसी एक हिस्से से लोग आते हैं तो पूर्वांचल से आते हैं। और उनके सम्मान में हमने यहाँ पे सराय काले खान के फ्लाईओवर में इस बार मधुबनी पेंटिंग करवाई है पूर्वांचल के लोगों का सम्मान करने के लिए और उनकी दिल्ली में उनकी एक अहम भूमिका को उनको पहचान देने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सचमुच अगर इस फ्लाईओवर का इस उपलब्ध जो इसकी उपयोगिता है ट्रैफिक के और प्रदूषण के लिहाज से ना देखें, जो लैंडस्केप किया गया है वो भी बहुत शानदार, तो एक बार जोरदार तालियों से आप आभार व्यक्त करें लोक निर्माण विभाग का। और अब रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों से लड़ना सीख, रास्तों में आने वाली सभी रुकावटों से लड़ना सीख, हासिल होगी तुझे कामयाबी, बस तू जिद पर अड़ना सीख, बस तू जिद पर अड़ना सीख, बस तू जिद पर अड़ना सीख। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संबोधन के लिए। जोरदार तालियों से, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें। और सर से अनुरोध संबोधन के लिए। आज यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। वैसे इस किस्म के फ्लाईओवर के उद्घाटन जब होते हैं इतनी बड़ी संख्या में लोग आते नहीं हैं, बस मीडिया वाले आते हैं। आप लोग समय निकाल के इतनी बड़ी संख्या में आ जाए, ये इस बात का भी एक तरह से वो है कि इस फ्लाईओवर से लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिन एजेंसीज ने ये फ्लाईओवर बनाया, मजदूरों को, उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं ये फ्लाईओवर बनाने के लिए। इससे ये जो टी जंक्शन पे रोज बहुत बड़ा बड़ा जाम लगता था, उसकी वजह से लोगों को लेट होता था, तकलीफ होती थी, उससे मुक्ति मिलेगी। ये 620 मीटर का फ्लाईओवर है, 66 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे इसके लिए। और जैसा कि हमेशा दिल्ली में जब से हमारी सरकार बनी है हर काम में हम पैसे बचाते हैं, उसी तरह से इसमें भी 66 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, हमने 50 करोड़ में पूरा कर दिया ये काम। तो ये आईटीओ से आश्रम की तरफ जो लोग आया करते थे उनको सहूलियत मिलेगी, लेकिन इसको केवल उस तरह से नहीं देखना चाहिए जैसे अभी बताया गया। ये पूरा एरिया जो है, खासकर जो आश्रम फ्लाईओवर जो था, जब से वो डीएनडी एक्सटेंशन बना है या आश्रम एक्सटेंशन कह लीजिए, पहले आश्रम में इतनी लंबी लंबी जाम, आधा आधा घंटे के जाम लगा करते थे। तो आश्रम अंडरपास बन गया और वो आश्रम का
एक्सटेंशन बन गया डीएनडी एक्सटेंशन, उसके बनने से और अब इस फ्लाईओवर के बनने से मैं समझता हूं कि अब 5 मिनट के लिए भी नहीं रुकना पड़ेगा। पूरा का पूरा कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सर्राटे से आप जा सकते हैं। अभी आतिशी जी जैसे कह रही थी कि केवल आईटीओ से नहीं, चंदगी राम से और आश्रम तक फ्री हो गया। आश्रम तक भी फ्री नहीं, आश्रम में भी कोई रेड लाइट नहीं है। अब आगे आप मूलचंद जाओ, वहां भी कोई रेड लाइट नहीं है। आगे आप धोला कुआं जाओ, वहां पे भी कोई रेड लाइट नहीं है। तो अभी मैं इंजीनियर से बात कर रहा था, मेरे ख्याल से पूरी रिंग रोड के ऊपर दिल्ली में अब कोई रेड लाइट नहीं है। सारी रिंग रोड बिना रेड लाइट के हो गई है। और अगला कदम जो हम उठा रहे हैं कि दिल्ली में जिन जिन इलाकों में जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक होता है, जाम होता है, उनको स्टडी करके, एक एक पॉइंट को स्टडी करके वहां पे कहीं यू टर्न बनाने की जरूरत है, कहीं फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, कहीं कुछ करने की जरूरत है, उसका एक पूरा स्टडी कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कहीं भी जाम ना लगे और बिना जाम के हमारी दिल्ली को जाम मुक्त बनाया जा सके। आपको लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 1947 से लेके आज तक 75 साल में दिल्ली में 102 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 102। और उनमें से पिछले 8 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार में 102 में से 30 फ्लाईओवर और अंडरपास आम आदमी पार्टी की सरकार में बने हैं। तो जितना काम 75 साल में जितना काम हुआ उसका 30% काम मात्र 8 साल के अंदर हुआ है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि पिछले 8 साल में कितनी तेजी से दिल्ली का विकास हो रहा है, कितनी तेजी से अपने दिल्ली को कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। और जो अब आने वाला समय, आने वाले समय के अंदर लगभग 25 फ्लाईओवर और तैयार किए जा रहे हैं। 25 फ्लाईओवर और 9 फ्लाईओवर ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 16 ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल ली जा रही है, अप्रूवल की स्टेज पे। तो 25 अगले कुछ सालों में 25 और बन जाएंगे, तो 125 के करीब फ्लाईओवर हो जाएंगे, जिसमें से 50% फ्लाईओवर आम आदमी पार्टी की कुछ सालों की सरकार के अंदर और बाकी 50% पुरानी सारी सरकारें मिला के। जितना काम उन्होंने 70 साल में किया उतना काम हम लोगों ने 8 साल 10 साल के अंदर हम करके दिखा देंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हर काम के अंदर पूरे देश में उठा के देख लो, सरकार कोई काम करती है। ये रानी झांसी फ्लाईओवर भी मुझे बताया गया 300-400 करोड़ का जब बनना चालू हुआ था, 300-400 करोड़ रुपए का बनना था, बनते 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 1,500 करोड़ का बन के तैयार हुआ। पूरे देश में उठा के देख लो, कोई भी सरकारी काम होता है 100 करोड़ का जब शुरू होता है 100 करोड़ का होना था, फिर बनते बनते कॉस्ट एस्केलेशन टाइम बढ़ता जाता है, 500 करोड़ 1,000 करोड़ का पूरा होता है। दिल्ली में हम टाइम के पहले काम कर लेते हैं और जितने का बनना होता है उसमें हर एक काम में पैसे बचाते हैं। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मयूर विहार फेज वन में एक फ्लाईओवर बनना था 50 करोड़ का, हमने 45 करोड़ में पूरा कर दिया। विकासपुरी से मीराबाग एलिवेटेड कॉरिडोर 560 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे उसके, विकासपुरी से मीराबाग एलिवेटेड कॉरिडोर 560 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, हमने 445 करोड़ में पूरा करके 115 करोड़ रुपए एक ही फ्लाईओवर में बचा लिए। मंगोलपुरी से मधुबन चौक का एलिवेटेड कॉरिडोर 423 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, हमने 320 करोड़ में पूरा करके 103 करोड़ रुपए एक और फ्लाईओवर में बचा लिए। मधुबन चौक से मुकरबा चौक तक का फ्लाईओवर 422 करोड़ रुपए का बनना था,
हमने 300 करोड़ रुपए में पूरा करके एक और फ्लाईओवर में 122 करोड़ रुपए बचा लिए। भलसवा में एक फ्लाईओवर बना 63 करोड़ का बनना था, 48 करोड़ में पूरा करके 15 करोड़ रुपए बचा लिए। इस तरह से हमारी सरकार में जितने 30 फ्लाईओवर बने हैं, इन 30 फ्लाईओवर के निर्माण में हमने अभी तक 557 करोड़ रुपए बचा लिए, 557 करोड़ रुपए बचा लिए। ये तो गिनीज बुक में आना चाहिए कि भारत में एक दुनिया में एक ऐसी सरकार भी है जो हर काम में पैसे बचाती है। जैसे अपने घर में आपा करते हैं, बाजार में सामान लेने जाते हैं, दुकान वाला कहता है इतने का, हम कहते नहीं भी इतने का नहीं, इतने दिक्कत है। सब्जी लेने जाते हैं, हम कहते नहीं भी इतने की नहीं, इतने। जैसे हम घर में अपने पैसे बचाते हैं, वैसे ही हम सरकार के अंदर जब काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करके एक 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 पैसा बचाते हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं जी दिल्ली में इतना काम हो रहा है, बिजली मुफ्त कर दी, पैसे कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं। जो पैसा इनकी जेबों में पहले जाया करता था, अब वो उनकी जेब में नहीं जाता, अब वो आपके विकास के लिए, आपके परिवार के लिए, दिल्ली की तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है। एक एक पैसा दिल्ली का, सरकार का एक एक पैसा आपकी तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है। पूरे देश में बात कर लो, पीडब्ल्यूडी का मतलब भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी का मतलब भ्रष्टाचार। दिल्ली अकेला शहर है जहां पीडब्ल्यूडी का मतलब ईमानदारी। हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हर काम में पैसे बचा रहा है। ऐसा कभी नहीं होता, अगर बेईमानी होती तो 300 करोड़ का फ्लाईओवर 900 करोड़ रुपए में बन रहा होता, लेकिन पीडब्ल्यूडी जितने काम कर रहा है एक एक काम के अंदर अपने पैसे बना रहा है, बचा रहा है। और दोस्तों, कितनी अड़चनें आ रही हैं आप लोग देख रहे हो रोज, हमारे काम रोकने की कितनी कोशिश की जा रही है, इन सारी अड़चनों के बावजूद हम सारे काम कर रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है ये जितनी अड़चने कर रहे हैं, उन सारे अड़चनों के बावजूद आपके काम नहीं रुकने दूंगा, स्पीड भले कम हो जाए। जैसे पिछले 8 साल में दिल्ली में हमने 530 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, 8 साल में 530 मोहल्ला क्लिनिक बने। पंजाब में हमारी अभी सरकार बनी है, 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में पंजाब में 670 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। तो दिल्ली में भी काम तो हुआ, स्पीड स्लो कर दी इन्होंने, है कि नहीं है? लेकिन आपके काम नहीं रुकने दूंगा। जो काम 1.5 साल में पंजाब में हुआ, उसको करने में 8 साल लग गए। अभी कल मैंने एक बस एग्रीगेटर पॉलिसी अनाउंस करी है कि दिल्ली के अंदर शानदार लग्जरी बसेस अब चला करेंगी, तो जो मिडिल क्लास वाले हैं, अमीर लोग हैं, वो अब उन लग्जरी बसेस में जा सकते हैं। अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, स्कूटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लग्जरी बसों में जाओ। उस पॉलिसी को मैंने 2016 में लागू करना था, 1 महीने में लागू हो जाती, करते 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 8 साल लग गए, अब वो लागू होगी पॉलिसी। पर कोई बात नहीं, जितनी अड़चने आती हैं, जब सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो सच्चाई का रास्ता कांटों भरा होता है। अपने को काम करना है, काम से मतलब है अपने को किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के खिलाफ नहीं बोलना, सारी अड़चने पूरी करके हम काम करेंगे। आप लोगों को बस ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि कोई काम नहीं रुकेगा, चाहे जो मर्जी अड़चने आए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे। आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सचमुच अपने इस उत्साह को बनाए रखिए और जोरदार तालियां एक बार हाथ ऊपर करके आभार में।